सो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है, किन कारणों के वजह से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट अटैक के कितने टाइप्स होते हैं, बिकॉज कोई भी टाइप के हार्ट अटैक को, चाहे वो हार्ट फेलियर हो या वो समझ लीजिए स्ट्रोक हो गया, तो हर किसी को लोग हार्ट अटैक बोल के कैटेगराइज कर लेते हैं। तो क्या ये हार्ट अटैक को थोड़ा सा डीप तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है, इसके क्या टाइप्स है? देखिए, हार्ट की बीमारी जो है ये नेचुरली एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ क्रिएटेड है, और लोगों की लाइफस्टाइल ख़राब होते जा रही है, फिजिकल मेहनत हो नहीं रहा है, खाना बहुत गरिष्ठ खा रहे हैं, फैट वाले खा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके संग स्मोकिंग, जर्दा, गुटखा, ये सारा मिला के हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है। इसमें होता क्या है, हार्ट के तीन ट्यूब होती हैं जो हार्ट को ब्लड देता है, उनके अंदर चर्बी की लेयर जम जाती है। अगर हम चर्बी खाते हैं और उसको तोड़ते नहीं है, वो अंदर जमता रहता है। इस चर्बी का नाम है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड। ये जमते जमते ब्लॉकेज को, ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। जब तक 70-80 ब्लॉकेज ना होती है परसेंटेज में, तब तक तो पता भी नहीं चलता है। फिर ये ब्लॉकेज बढ़ता जाता है, तो एक ना एक दिन वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। ओके। जब वो 100% एक ट्यूब में ब्लॉक हो जाए, तो हार्ट का एक हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, वो हिस्सा डेड होने लगता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और अगर बड़ा हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक में 2-3 कैटेगरी होती है, एक आपने सुना होगा माइनर अटैक, एक हो गया मेजर अटैक, एक हो गया मैसिव अटैक जिसमें लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वो तीनों में फ़र्क क्या होता है कि एक ट्यूब के एकदम लास्ट पार्ट में ब्लॉकेज हुआ और 100 हो गया, तो वो एरिया जो डेड हुआ वो बहुत स्मॉल एरिया है, तो उससे आदमी का जान नहीं जाता है, कभी उसको पता भी नहीं चलता, कभी कभी इसको माइनर अटैक बोल के निकाल देते हैं। राइट। एक ट्यूब के शुरुआत में ब्लॉकेज हुआ तो उसको मेजर अटैक बोलते हैं, वो अटैक हो गया तो, और एकदम ही मुंह में हो गया, जो लेफ्ट मेन ट्यूब है जो 70% हार्ट को सप्लाई करता है लेफ्ट के तरफ, उसके अंदर हो गया, तो 70% हार्ट एक साथ डेड होता है, तो उसमें जान भी जाती है। इसलिए हार्ट अटैक 3 कैटेगरी की होती है, माइनर अटैक, मेजर अटैक और मैसिव अटैक। ये ब्लॉकेज के लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं एक टेस्ट से जिसका नाम है सीटी एंजियोग्राफी, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं ब्लॉकेज है कौन से एरिया में। अगर लास्ट के एरिया में तो ऐसी डरने की बात नहीं है, और एकदम शुरुआत में है तो उसको बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। राइट, तो ये हार्ट अटैक में 100% ब्लॉकेज होनी चाहिए। इंडिया में आज के दिन में करीब करीब 35 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक में मारे जाते हैं, और ये बीमारी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एक भी आदमी ना मरे, इसकी बंदोबस्त हो सकती है, सिर्फ लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि किस तरह से ये हार्ट की बीमारी होती है, कैसे ब्लॉकेज बनती है और कैसे ये बढ़ती है, अगर इसको कैसे रोका जा सकता है। और यही मैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए करता हूं कि उनको नॉलेज दूं कि किस तरह से हार्ट की बीमारी को रोक सके, तो अगर वो रोक ले और हार्ट की बीमारी को रिवर्स करें, तो ना ही उसकी हार्ट अटैक होगी, ना ही उनको कॉस्टली ऑपरेशंस के लिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट राइट। सो सर, बेसिकली एंजियोप्लास्टी हो गया, और ये जो अंदर स्टेंट्स घुसाते हैं, और फिर ये सारे जो प्रोसीजर्स हो गए, बाईपास सर्जरीज हो गए, ये सारे, तो इन चीज़ की ज़रूरत एक्चुअली में देखा जाए तो इतनी नहीं है, अगर पहले ही प्रिवेंशन कर लिया जाए तो। राइट, एकदम। हार्ट की बीमारी में जो बीमारी बढ़ रही है, वो बीमारी जब तक बढ़ेगा तो ये कभी ना कभी उस स्टेज में आएगा जहाँ पे वो हार्ट अटैक या एंजाइना का आकार लेगा। राइट। पर अगर लोगों को हम इन एडवांस समझा दें, भाई ब्लॉकेज इस तरह से बनती है और इस तरह से ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी, तो अगर आप खान पीन, रहन सहन बदल लो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, और कुछ चीज़ें जो हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं वो दे दें, तो हार्ट अटैक होगी भी नहीं और हार्ट की बीमारी बढ़ेगी नहीं। होता क्या है, जब आदमी हार्ट की बीमारी बढ़ा लेता है और हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो वहाँ पे एक प्रेशर होती है उनके तरफ से कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आम आदमी वहीं पर फंस जाता है। मैं उनको बोलता हूँ, जहाँ पे भी ब्लॉकेज हुई है उसको बढ़ाओ मत, उसको रिवर्स कर लो, और रिवर्स करने के लिए जो जो चीज़ करना है वो उसको जानकारी करवाना होता है। ओके। सो कह सकते हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, लाइक प्रिवेंशन हर कोई कर सकता है, चाहे उसका जेनेटिक कॉज के वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल के वजह से हो रहा है, किसी की भी वजह से, बट अगर वो सही टाइम पे प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर सकता है, तो उसके जो कोलेस्ट्रॉल है वो सारा वापस से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम। देखिए ऐसा है, जो आदमी जब पहुंच जाए, मैं कभी ये बोलता हूँ कि भाई अगर आप एडवांस भी हो चुके हो, 70-80-90 ब्लॉकेज हो भी गई है, तो आज 90 है तो ऐसा नहीं कि कल नहीं था। एक साल पहले हो सकता 2% कम रहा हो, एक साल पहले और 2% कम रहा हो, तो आप जिस स्टेज में भी हो वहाँ से बढ़ोगे नहीं, तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगी। और वहाँ से आप घटाने लगोगे तो हर स्टेज में आप रोक सकते हो। राइट।
अगर आपके 40 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, अगर 70 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो, और 90 ब्लॉकेज है तो भी रोक सकते हो। और जिसको हार्ट अटैक हो चुका, 100 ब्लॉक हो चुका, उनको तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, 100 के ऊपर कहाँ ले जाओगे ब्लॉकेज को, 100 तो हो गया, जो डैमेज होना था हो गया। अब अगर आप जिंदा हो तो बाकी जो एरियाज में ब्लॉकेज है उसको कम करो, राइट। तो हार्ट अटैक ना हो वो बंदोबस्त करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारी में जो शुरुआत होती है वो होती है ब्लॉकेज जीरो से, फिर 10% होता है और बड़ी और बड़ी और बड़ी, ये 30-40 साल तक ये बढ़ते रहती है। मान लेते हैं ये ब्लॉकेज शुरू कब होती है, एक बच्चा जब जन्मता है तो ब्लॉकेज नहीं लेके जन्मता है, 10 साल 15 साल 20 साल तक उसकी ग्रोथ होती है, तब तक फैट खाए तो भी दिक्कत नहीं है, राइट। जिस दिन उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, हाइट बढ़ना बंद हो गया, उसके बाद जो चर्बी है वो अब ग्रोथ में तो लगेगा नहीं, अब वो या तो चौड़ाई में बढ़ाएगा या अंदर बढ़ाएगा, तो ब्लॉकेज चालू होती है 20 साल की उम्र में। आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओ तो पहले 10% लाओगे, 20 लाओगे, 30 लाओगे, 40 लाओगे, अच्छा 70 तक पता भी नहीं चलता है। टिल यू हैव 70 ब्लॉकेज मरीज को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, तो 70 तक तो आम आदमी बढ़ता रहता है उसको पता भी नहीं। जिस दिन चलने में दिक्कत होने लग जाए तो समझ लो 80-70 ब्लॉकेज हो चुका है, तो हार्ट के पेशेंट डॉक्टर के पास 70-80 के बाद ही पहुंचता है, उसके पहले वो पहुंचते ही नहीं है। तो प्रिकॉशंस तो हर वक्त लेनी चाहिए, पर आम आदमी को मैंने ये देखा है जब तक उसकी तकलीफ नहीं होती, हार्ट की बीमारी नहीं होती, तब तक वो कुछ करता नहीं है, बट इट शुड बी डन इन एडवांस। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।